अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाययूरेटिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेज एंड साइड इफेक्ट्स। डाययूरेटिक्स जो है वो पांच ग्रुप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट जो ग्रुप है थायसाइड्स, सेकेंड लूप डाययूरेटिक्स, थर्ड वन इज पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का फोर्थ ग्रुप है पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स, जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं अमीलोडिन, एप्लिरेनोन, स्पायरोनोलेक्टोन, ट्रायमेटिरिन। पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें तो ये एक्ट करती हैं जाके कलेक्टिंग ट्यूबुल और डक्ट पर, और इनहिबिट करती हैं एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को और पोटेशियम की सिक्रेशन को, और ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को और प्रिवेंट करती हैं पोटेशियम के लॉस को। पोटेशियम स्पेयरिंग के क्लिनिकल यूजेस देखें तो ये एज अ डायरेटिक यूज होती हैं, ट्रीट करती है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को, यूज होती है हार्ट फेल्यूर में, आर्थराइटिस में यूज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी यूज होती है। पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हैं गैस्ट्रिक अपसेट, पेप्टिक अल्सर, गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, हाइपरकैलेमिया, नोजिया, लेथार्जी एंड मेंटल कन्फ्यूजन। अब हमारे पास फोर्थ ग्रुप जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एजेंट्स, जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है एसिटाजोलामाइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो ये एक्ट करती है जाके प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पर और इनहिबिट करवाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेट की रीअब्सॉर्प्शन को। अब क्लिनिकल यूजेस देखें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एजेंट्स के तो ये ट्रीटमेंट करते हैं ग्लाइकोमा का और माउंटेन सिकनेस में भी ये यूज होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एजेंट्स के साइड इफेक्ट्स में इन्वॉल्व है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम, रीनल स्टोन फॉर्मेशन, ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थेसिया। जो लास्ट ग्रुप है डायरेटिक्स का वो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है मैनिटोल और यूरिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का तो ये फिल्टर होती है ग्लोमेरुलस से और रिजल्ट में डायलिसिस करवाती है। डायरेटिक्स के क्लिनिकल यूजेज है कि ये इंक्रीज करवाती है यूरिनरी आउटपुट को, इंक्रीज करवाती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को एंड अक्यूट रीनल फेल्यूर में भी यूज होती है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स में इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन, डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया।